हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन एक पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिनको आईआईटी जेई एडवांस में, आईआईटी जेई मेंस में और ए ट्रिपल में पूछा गया है। सो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि श्रोडिंगर के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से बनाया गया है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मॉडल से अपने को ये सब क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। सो जैसे 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 जेई एडवांस में। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वस टू 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर एम एस इक्वस टू -1/2। सो अपने को पता लगाना है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू 3 हो और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -1/2। सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना। सबसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, 4s2, 3d10 एंड 4p6। सो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि अपने को सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है जिनके लिए एन की वैल्यू 3 हो और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -1/2 हो। मतलब एन की वैल्यू 3 यहाँ पे 3s के लिए हो सकती है और 3d के लिए हो सकती है, 3p के लिए हो सकती है, सबके लिए एन की वैल्यू 3 है। सो इन सबशेल्स में अपने को देखना होगा कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -1/2 हो। सो सबसे पहले अगर इसमें देखेंगे तो इस ऑर्बिटल्स में, जैसे अपने को पता है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक का स्पिन -1/2 होगा और दूसरे का स्पिन +1/2 होगा। सो यहाँ पे ऐसा एक एक इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए एन की वैल्यू 3 है और एम एस की वैल्यू -1/2 है। अगर अपन 3p में देखेंगे तो 3p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे करके अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑर्बिटल डायग्राम से बता सकते हैं। अब इसके अंदर हर एक ऑर्बिटल में एक -1/2 का इलेक्ट्रॉन होगा, एक +1/2 का होगा। यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है और इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए डेफिनेटली एम एस की वैल्यू या स्पिन क्वांटम नंबर की -1/2 वैल्यू होगी। मतलब हर एक ऑर्बिटल में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जिसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -1/2 होगी। और अगर अपन डी सबशेल की बात करें तो इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, हर एक ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो इस तरीके हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 वैल्यू होगी। और इस तरीके से डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल में 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -1/2 होगी। और पी में ऐसे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसा एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 + 3 + 1, दैट इज 9। तो 9 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी और स्पिन क्वांटम के नंबर की वैल्यू -1/2 होगी। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस 2011 में। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जे एडवांस 2014 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर एन इक्वस टू 4, एम एल इक्वस टू 1 एंड एम एस इक्वस टू -1/2। तो सबसे पहले अपने को देखना होगा कि ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये कौन से क्वांटम नंबर्स हैं जिनके लिए यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो एन होता है, स्मॉल एन, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से नोट कर सकते हैं। फिर आता है एजुमिटल क्वांटम नंबर, या फिर उसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको अपन एल से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको अपन स्मॉल एम से या फिर एम एल से भी डिनोट करते हैं। और उसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर, उसको अपन एस से भी डिनोट करते हैं और एम एस से भी डिनोट करते हैं। सो इस तरीके से अपने को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है। सो अपने को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं जिनके लिए सब क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होंगी। सबसे पहले अपने को पता है कि अगर एन इक्वल टू 4 है तो उसके लिए 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है और 4f हो सकता है।
अब एस के लिए अगर अपन एन की वैल्यू बोलेंगे, जैसे अगर इन सब के लिए अपन मेगा एल की वैल्यू और एम एल की वैल्यू और एम एस की वैल्यू लिखना चाहें, तो एस के लिए, 4S के लिए एल की वैल्यू हमेशा 0 होती है, 4P के लिए इट इज़ ऑलवेज 1, 4D के लिए इट्स 2, 4F के लिए इट्स 3। और जो एम एल की वैल्यू होती है वो अगर एस की 4S की वैल्यू 0 है तो एम एल उसका 0 होगा, क्योंकि जो एम एल की वैल्यू है वो -1 एल से लेके और प्लस एल के बीच में होती है। इसलिए अगर एल 0 है तो एम एल भी 0 होगा, अगर एल 1 है तो एम एल -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, मतलब माइनस एल से लेके एल तक कुछ भी। फिर 4D जिसके लिए, D के लिए एल की वैल्यू 2 है तो एम एल उसके लिए -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और फिर 2 हो सकता है। और उसके बाद में 4F के लिए ये -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। इस तरीके से अपने को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता लगते हैं कि 4s में एक ऑर्बिटल होगा, 4p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 4d में 5 ऑर्बिटल्स होंगे और 4f में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। सो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 के लिए एम एस की वैल्यू होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 एम एस की वैल्यू होगी। सो इस तरीके से अपन n=4 के लिए ये सब मैप कर सकते हैं। अब अगर इसको अपन ऑर्बिटल डायग्राम्स के थ्रू देखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं कि जो 4s होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4p में 3 सबशेल होंगे और सब में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे 4p सबशेल। ऐसे ही जो 4d होगा उसमें टोटल 5 होंगे और जो 4f होगा उसमें टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑर्बिटल्स होंगे और हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके लिए जो n है ये तो 4s है तो n की वैल्यू 4 है, और जो ml है उसकी वैल्यू 0 है तो इसको अपने को काउंट नहीं करना है। ml की वैल्यू मोड ml=1, यानी कि जो ml है मोडुलस हटाएंगे तो आएगा +1 या फिर -1, मतलब m की वैल्यू +1 -1 कुछ भी हो सकती है, ये क्वेश्चन में बोला गया। सो यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो ये 4p वाले ऑर्बिटल्स हैं, इसके लिए -1 होगी, एक के लिए 0 होगी, एक के लिए +1 होगी। जैसे 4d में एक के लिए -2 -1, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा 0, 1 एंड 2, और 4f में एक के लिए वैल्यू -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा। सो इस तरीके से एम एल की वैल्यू +-1 होनी चाहिए। सो ये ऑर्बिटल अपन इस ऑर्बिटल को काउंट कर सकते हैं, ये भी ऑर्बिटल काउंट किया जा सकता है, उसके लिए एम एल की वैल्यू +2 है, +1 है, ये काउंट कर सकते हैं -1, ये काउंट कर सकते हैं +1, दिस इज -1, दिस इज +1। सो अपने पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिसके लिए एन की वैल्यू 4 है और एम एल की वैल्यू, मॉडुलस एम एल की वैल्यू 1 है। अब अपने को एम एस की वैल्यू पता लगानी है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर उस इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होना चाहिए। अब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का +1/2 होता है, एक का -1/2, मतलब अपने पास टोटल 4 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनके लिए एन की वैल्यू 4, मॉडुलस एम एल की वैल्यू 1 है। हर एक ऑर्बिटल में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जिसके लिए एम एस की वैल्यू -1/2 होगी, हेंस 4 ऑर्बिटल के 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑर्बिटल्स, ये 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि ये सब क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज रखेंगे। सो ये जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन था।